जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, कल अपना जो वीडियो था उसमें मैंने एनसीईआरटी के बारे में बताया था और कुछ बिंदु मैंने आपको बायोलॉजी के बारे में बताए थे। कल हमने बायोलॉजी के सिलेबस की जानकारी प्राप्त की थी। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट 964 पे हार्दिक स्वागत है। आप अपने संदीप सर के साथ बने रहे हैं कंटिन्यू। आज का अपना टॉपिक है बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी का परिचय। तो बायोलॉजी का जो परिचय है उसकी हम बात करेंगे आज। और जो ये परिचय या इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये जो वीडियो देखने के बाद आप ये नोट्स आप अपनी बायो की कॉपी में पुटअप करें। तो देखो, यहाँ बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दो फ्रांसीस वैज्ञानिक, एक तो कौन था? लेमार्क, और एक था ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। फिर आगे इसमें लिखा मैंने, बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तो दो ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं? देखो यार, बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तो फर्स्ट ग्रीक शब्द है बायोस और सेकंड है लोगस। बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट शब्द है बायोस और सेकंड है लोगस। बायोस का अर्थ है यहाँ लाइफ, और लाइफ को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जीवन। लोगस, लोगस का अर्थ है यहाँ स्टडी। स्टडी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन, मान जीवन से संबंधित अध्ययन करना, वही बायोलॉजी। जैसे यहाँ एक डेफिनेशन लिखी, देखो क्या डेफिनेशन, अपनी देखना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। फिर नेक्स्ट इसमें बिंदु लिखा मैंने, जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभक्त किया गया है। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से कितने शाखाओं में विभक्त किया गया है? दो शाखाओं में विभक्त किया गया है। तो यहाँ दो शाखाएं बनाएंगे हम जीव विज्ञान की। तो बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, फर्स्ट है वनस्पति विज्ञान और सेकंड कौन सी है? प्राणी विज्ञान। फर्स्ट कौन सी है? वनस्पति विज्ञान। सेकंड अपनी प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहेंगे बॉटनी, प्राणी विज्ञान को इंग्लिश में कहेंगे जूलॉजी। तो बायोलॉजी की यहाँ कितनी शाखाएं याद रखनी है आपको? दो याद रखनी है, एक तो कौन सी है? बॉटनी, और सेकंड कौन सी? अपनी जूलॉजी। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं इसमें, नेक्स्ट बिंदु अपना वनस्पति विज्ञान। वनस्पति को इंग्लिश में वनस्पति विज्ञान को क्या कहेंगे? बॉटनी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पौधों का अध्ययन किया जाता है, इसे बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पौधों का अध्ययन किया जाता है, अतः इसे क्या कहते हैं? बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ देखो, बॉटनी शब्द ग्रीक शब्द बोटेन से लिया गया है। तो बोटेन से लिया गया, तो बोटेन से लिया गया। तो यहाँ देखो, बोटनी लिखा मैंने ऊपरी ऊपर, बोटनी के नीचे क्या? बोटेन। बोटेन का अर्थ होता है हरब, हरब का अर्थ होता है साक, जो छोटे छोटे पादप होते हैं ना उनको बोलते हैं। बोटेन शब्द है वो किससे लिया गया है? बोस्किन से। बोस्किन का अर्थ है यहाँ टू ग्रेज, टू ग्रेज का अर्थ होता है चरना। फिर बोस्किन शब्द है वो किससे लिया गया है? बाउस से। बाउस का अर्थ क्या है? कैटल। कैटल का अर्थ क्या है? पशु। जो पशु वगैरह चरते हैं, छोटे छोटे पादपों को या वनस्पति को खाते हैं, इन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं? बॉटनी में करते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेट्स है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेट्स है। एक और भी ध्यान रखना, आप आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कैरोलस लिनियस दे रखा है कई बुक्स में, तो मैंने यहाँ पुटअप कर दिया। आपको इतना याद रखना है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेट्स। बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। सेकेंड अपनी प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत केवल प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, प्राणी विज्ञान में। जूलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जूलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? तो पहला शब्द है जोन, सेकेंड है लोगस। जोन का अर्थ है या एनिमल, लोगस का अर्थ है या स्टडी।
तो जॉन, जॉन का अर्थ क्या बताया मैंने, एनिमल, एनिमल को हिंदी में बोलते हैं प्राणी, लोगस का अर्थ है स्टडी मानी अध्ययन, कि विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाए, प्राणियों का, उसे क्या बोलते हैं हम, जूलोजी। तो प्राणी विज्ञान का जनक है अरस्तु, जूलोजी का जनक कौन है, अरस्तु है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद।